पायल घोष और ऋचा चड्ढा के बीच का मामला जो है सुलझ गया है और पायल ने माफ़ी मांग ली है और ऋचा ने भी अपना केस वापस ले लिया है। दरअसल पायल घोष ने जब अनुराग कश्यप के बारे में बताया था कि किस तरह कुछ सालों पहले अनुराग ने उनके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करी, उसी दौरान जो है उन्होंने इंटरव्यू में ये भी बताया कि अनुराग ने खुद उन्हें बताया था कि कैसे कुछ हीरोइनें उन्हें फेवर करती हैं और उसमें उन्होंने 3 हीरोइनों के नाम लिए जिसमें से एक ऋचा का नाम था। ऋचा ने कोर्ट में जो है इस बात की याचिका की कि जो अपमान किया गया है उसके खिलाफ उन्होंने डिफामेशन केस फाइल किया। पायल ने कहा कि वो माफ़ी मांगने को तैयार है लेकिन उनकी कुछ शर्तें थी और ये शर्त थी कि आगे कभी भी ऐसा कोई भी केस ऋचा उन पर दर्ज नहीं करेगी। कल जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में जब सुनवाई थी तब कोर्ट ने 2 दिन का समय दिया था दोनों को कि आप लोग बताइए कि आप लोगों को विवाद जो है कैसे सुलझाना है, कि आपको आपसी सहमति से सुलझाना है। तो अब जो है खबर आई है कि पायल ने माफ़ी मांग ली है और ऋचा ने अपना केस जो है वापस ले लिया है। पायल के वकील नितिन सतपुते ने न्यायमूर्ति A.K. मैनन को बताया कि दोनों में आपसी सहमति से विवाद सुलझा लिया है और इस संबंध में एक अर्जी दाखिल की। पायल ने वचन पत्र में कहा कि वह उस बयान को वापस ले रही है जो उन्होंने ऋचा के खिलाफ दिया था और वो माफ़ी मांगती है। जब ये लेटर सबमिट किया गया तो न्यायाधीश ने कहा दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वे इस मामले में एक दूसरे के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करेंगे और हर्जाने के तौर पर धन की कोई मांग नहीं की गई है। वहीं ऋचा के वकील जो है वीरेंद्र और सवीना बेदी उन्होंने कहा कि मामला सुलझा लिया गया है, तो न्यायमूर्ति मेनन ने इसे स्वीकार किया है और घोष के खिलाफ सारे मामलों को खारिज जो है कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये पूरा मामला जो इतने दिन तक चल रहा था सुलझ गया है। पायल ने माफ़ी मांग ली है और ऋचा ने वो जो केस है वापस ले लिया है। तो बिना शर्त के किसी और बिना किसी हर्जाने के ये पूरा केस जो है अब क्लोज हो गया है और जज ने कहा कि अब जब दोनों ने ही आपस में सहमति जता दी है, सेटलमेंट कर लिया है, तो अब इसमें ये पूरा केस जो है क्लोज किया जाता है।